नमस्कार, आप देख रहे हैं द ललन टॉक। 1991 में ऋषि कपूर की एक फिल्म आई थी हिना। इसे डायरेक्ट किया था रणधीर कपूर ने। इसमें ऋषि कपूर के साथ जो हीरोइन थी वो पाकिस्तानी एक्ट्रेस ज़ेबा बख्तियार थी। उन्होंने ऋषि के जाने पर शोक व्यक्त किया। इंस्टाग्राम पर उन्होंने फिल्म की 3 फोटो शेयर करते हुए लिखा कि अभी ये खबर सुनी कि मेरे प्यारे दोस्त ऋषि कपूर नहीं रहे, सुनकर एक धक्का लगा है। टाइम कितना जल्दी निकल गया, लगता है कि हिना जैसे एक दिन पहले ही शूट हुई थी। मैं आपको बहुत याद करूंगी और मैं आपको प्यार करती हूं। ये दुख झेलना बहुत मुश्किल है। आप हमारे लिए एक सुपरस्टार थे। भगवान आपकी आत्मा को शांति दे, प्रिय ऋषि मेरे चंद्र प्रकाश। आप हमारे दिलों में हैं और हमेशा रहेंगे। शूट के दौरान आपने जो कुछ भी सिखाया उन सब बातों के लिए शुक्रिया। अब और नहीं लिख सकती, केवल तुम्हारी हिना। ज़ेबा ने स्पॉट बॉय के साथ बातचीत की, बताया कि उन्होंने ऋषि की डेथ से 2 रात पहले ही कॉल किया था। डब्बू यानी रणधीर कपूर ने उन्हें बताया था कि ऋषि की सेहत सुधर रही है। उसके बाद ये खबर सुनना उनके लिए बहुत शॉकिंग था। ऋषि के साथ काम करने के बारे में बताते हुए वो कहती हैं कि वो इसके लिए खुद को बहुत भाग्यशाली मानती हैं। वो उनको एक हीरो और एक एक्टर की तरह पसंद करती रहीं, लेकिन साथ में काम करना एक बहुत बड़ी खुशी की बात थी, साथ ही एक बहुत बड़ा सीखने वाला अनुभव। वो कहती हैं कि मैंने जितने लोगों के साथ काम किया है उनमें से ऋषि उन कुछ लोगों में से थे जो बहुत प्रोफेशनल थे। उन्हें अपने काम के बारे में सब कुछ बहुत गहराई से पता होता था। वो अपनी परफॉर्मेंस में कोई समझौता नहीं करते थे। उनके आसपास होना और उन्हें काम करते हुए देखना ही सीखने के लिए काफ़ी था। ज़ेबा ने पाकिस्तानी टेलीविजन अनारकली नाम का एक शो किया था। सईद जाफरी ने इस नाटक की एक वीडियो कैसेट राज कपूर को दिखाई। उसके बाद फिल्म के डायलॉग लिखने वाली जो पाकिस्तानी लेखिका थी हसीना मोइन, उन्होंने भी ज़ेबा का नाम रेकमेंड किया। राज कपूर ने उनका काम देखा और अप्रूव कर दिया। हालांकि जब वो इंडिया आई तब तक राज कपूर की मृत्यु हो चुकी थी। ज़ेबा को रणधीर कपूर ने ऑडिशन के लिए बुलाया था, जिसके बाद वो चुनी गई। शूटिंग के पहले दिन एक स्क्रीन शूट और फोटो शूट होना था। ज़ेबा बहुत नर्वस थी क्योंकि वो नई थी और हर एक बात से अनजान, लेकिन ऋषि ने उन्हें कंफर्टेबल महसूस करवाया, उनका हौसला बढ़ाया। 2 दिन में ही ज़ेबा को कपूर फैमिली खुद के परिवार जैसी लगने लगी। वो बताती हैं कि वो ऋषि से संपर्क में रहती थी। जब तक मोबाइल फ़ोन हमारी ज़िंदगी में नहीं आया था, मैं उन्हें लैंडलाइन पर कॉल करती थी उनके जन्मदिन और दिवाली पर बधाई देने के लिए। फिर जब व्हाट्सएप शुरू हुआ, हम एक दूसरे को विश करने के लिए उस पर बात करते थे। जब भी रणबीर कपूर की कोई फिल्म रिलीज़ होती तो वो मुझे मैसेज किया करते थे और मैं उसे ज़रूर देखा करती थी। और फिर ज़ेबा से जब ये पूछा गया कि ऋषि कपूर की कौन सी फिल्म सबसे ज़्यादा उन्हें पसंद है, तो उनका जवाब साफ था, हिना। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यहीं तक थी ये वीडियो। आप कुछ कहना चाहते हैं तो ज़रूर कॉमेंट बॉक्स में लिखें और ऐसी और खबरों के लिए देखते रहें द ललन टॉक।